यामिनी हैरानी के साथ कामेश्वरी यक्षिणी से पलट कर पूछती है, अगर आप ताज लेने नहीं आई हैं तो फिर आप यहाँ पर क्यों आई हैं? कामेश्वरी यक्षिणी यामिनी को देखते हुए बड़े प्यार से कहती है, मैं यहाँ पर तुमसे मिलने आई हूँ मेरी बच्ची। ये जवाब पाकर यामिनी को बहुत अजीब लगता है। यामिनी कामेश्वरी यक्षिणी से हैरानी के साथ पूछती है, आप मुझसे मिलने के लिए आई हैं पर क्यों? कामेश्वरी यक्षिणी कहती है, क्यों से तुम्हारा क्या मतलब है मेरी बच्ची? क्या मैं अपनी बेटी से मिलने के लिए नहीं आ सकती? यामिनी कुछ नाराजगी के साथ कहती है, बहुत जल्दी याद आ गई आपको अपनी बेटी की। कल रात तो आपको कुछ याद नहीं था, बस याद था तो अपना ताज। तभी बार बार अपना ताज मुझसे मांग रही थी, जैसे आप अपनी बेटी के लिए नहीं अपने ताज के लिए उसके पास आई हो। कामेश्वरी यक्षिणी कहती है, अपनी उसी गलती को तो मैं सुधारने के लिए आई हूँ मेरी बच्ची। यामिनी फिर टोंट मारते हुए कहती है, बहुत जल्दी हो गया आपको अपनी गलती का एहसास। कामेश्वरी यक्षिणी कहती है, गलती का एहसास तो मुझे कल रात ही हो गया था मेरी बच्ची, उस वक्त जब नाराज होकर तुम वापस से ग्रेवयार्ड कोठी में जा रही थी। मैंने तो उसी वक्त तुम्हें रोकने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाया था, पर वो युग मेरे सामने आकर खड़ा हो गया क्योंकि उसे लगा कि मैं तुम्हें मारने के लिए तुम्हारे पीछे आ रही हूँ। पर सच तो ये था कि उसी वक्त मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया था और मैं तुम्हें मनाने के लिए तुमसे बात करना चाहती थी। यामिनी चुप ही रहती है, कुछ नहीं कहती है। कामेश्वरी यक्षिणी फिर बोल पड़ती है, माना मेरी गलती है, मुझे पहले तुमसे मिलना चाहिए था, तुम्हारा हालचाल पूछना चाहिए था, पूछना चाहिए था कि तुम कैसी हो, इतने दिनों तक मेरे बगैर तुम कैसे रही, पर मैं क्या करती मेरी बच्ची, तुम ही बताओ। उस वक्त मेरे दिमाग में बस उस भक्षानर के अंश के अंत के बारे में चल रहा था। मैं उससे बदला लेना चाहती हूँ और उसी बदले की आग में मैं अपनी बच्ची को भूल गई, तुम्हें भूल गई। मेरी बेटी मुझे बस मेरा ताज याद रहा, क्योंकि तुम्हें भी पता है मेरी बच्ची कि एक यक्षिणी अधूरी है उसके ताज की शक्तियों के बिना। बिना ताज के मैं उस भक्षानर के अंश का अंत नहीं कर सकती। ताज को पाने की लालसा में मुझे ख्याल ही नहीं आया कि मेरी बच्ची भी मेरे लिए सालों से तड़पी है, पहले मुझे उससे मिलना चाहिए। कामेश्वरी यक्षिणी की बातें सुनकर यामिनी की आंखें नम होने लग जाती हैं, पर वो कुछ कहती नहीं है। कामेश्वरी यक्षिणी कहती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मेरी बच्ची, मैं तुम्हें ऐसे दर्द में रोते हुए नहीं देख सकती, तभी तो तुम्हारे दर्द का एहसास होते ही मैं सीधे यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए चली आई। यामिनी कामेश्वरी यक्षिणी के आसपास जो जुगनू मंडरा रहे थे उनको देखते हुए कहती है, आप मेरे दर्द की पुकार सुनकर यहाँ पर आई हैं या फिर इन जुगनुओं ने आपको संदेश दिया कि मैं घाट पर आई हूँ? यामिनी की बात सुनकर कामेश्वरी यक्षिणी अपनी नजरें नीचे कर लेती है, जैसे उसने जो कहा हो एकदम सही हो, जुगनुओं ने ही उसे यामिनी के बारे में बताया हो। यामिनी फिर बोल पड़ती है, अगर आपको लगता है कि आपकी ये प्यार भरी बातें सुनकर मेरा फैसला बदलने वाला है तो एक बात आप अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए, मैं आपको ताज नहीं देने वाली, वो ताज अब मेरा है। कामेश्वरी यक्षिणी फिर बोल पड़ती है, मुझे इस वक्त ताज की सख्त जरूरत है मेरी बेटी, मेरा ताज मुझे वापस दे दो। यामिनी ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं मैं आपको वो ताज नहीं देने वाली। कामेश्वरी यक्षिणी को चिढ़ते हुए कहती है, क्यों मेरी बच्ची, क्यों तुम मुझे वो ताज नहीं देना चाहती? यामिनी कामेश्वरी यक्षिणी को एकटक देखते हुए कहती है, मैं आपको ताज क्यों नहीं देना चाहती इसके पीछे की वजह आप अच्छे से जानती हैं। कामेश्वरी यक्षिणी खामोश खड़ी रहती है। यामिनी फिर बोल पड़ती है, आप बताइए आप ताज लेकर क्या करने वाली हैं? कामेश्वरी गुस्से के साथ कहती है, उस भक्षानर के अंश का अंत करना चाहती हूँ मैं ताज लेकर। यामिनी बड़े ताव के साथ कहती है, सिर्फ भक्षानर के अंश का अंत या फिर उसके पूरे वंश का अंत, जिसमें युग बाबू का नाम सबसे ऊपर है? कामेश्वरी खामोशी रहती है, बस हैरानी के साथ एकटक यामिनी की आंखों में देखते रहती है। यामिनी फिर कामेश्वरी यक्षिणी से बोल पड़ती है, क्यों, मैंने सही कहा ना माँ, आप ताज लेकर सबसे पहले युग बाबू को ही मारने वाली थी ना, भक्षानर के वंश के अंत की शुरुआत युग बाबू से ही करने वाली थी ना। कामेश्वरी यक्षिणी हैरानी के साथ यामिनी से पूछती है, तुम्हें ये बात कैसे पता यामिनी? यामिनी पलट कर कहती है, कैसे पता नहीं होगी, आप शायद भूल जाती हैं कि मैं आपकी ही बेटी हूँ। उस रात जब आप रज्जन के साथ मिलकर युग बाबू को मारने वाली थी और मैंने आपको रोक लिया था, उसी वक्त मैंने आपकी आंखों में युग बाबू को मारने की तड़प देख ली थी। मुझे दिख गया था कि आप भक्षानर के वंश से कितनी नफरत करती हैं, ये जानते हुए भी कि मैं आपकी बेटी युग बाबू से कितना प्यार करती हूँ, आप युग बाबू को मारने के लिए तैयार हो गई थी, किसी भी तरह भक्षानर के वंश का नामो निशान मिटाना चाहती हैं। कामेश्वरी कहती है, हाँ मिटाना चाहती हूँ मैं भक्षानर के वंश का नामो निशान इस पूरे संसार से, क्योंकि अगर मैंने भक्षानर के वंश को खत्म नहीं किया तो भक्षानर का वंश पूरे संसार को खत्म कर देगा और मैं ऐसा होते हुए नहीं देख सकती। यामिनी गुस्से के साथ कहती है, और मैं युग बाबू को मरते हुए नहीं देख सकती माँ,
कामेश्वरी यक्षिणी कहती है, मुझे ताज की जरूरत है यामिनी बेटी, समझो और मुझे मेरा ताज दे दो। यामिनी नम लहजे के साथ कहती है, सच्चाई को सामने आने में देर नहीं लगती माँ, देखा ना सच्चाई सामने आ ही गई। आप आज भी मेरे पास ताज लेने के लिए आई हैं, ना कि मुझसे मिलने के लिए। मैंने सही कहा ना? कामेश्वरी यक्षिणी नामे अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं नहीं मेरी बच्ची, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो। यामिनी कामेश्वरी यक्षिणी को टोकते हुए कहती है, ऐसा ही है माँ, तभी तो देखो ना आप फिर से ताज की रट लगाने लग गई। कामेश्वरी यक्षिणी परेशान होते हुए मन में सोचने लग जाती है, ये सब क्या हो गया, मैं तो यहाँ पर सब कुछ ठीक करने आई थी, पर रिश्ते वापस से जुड़ने की जगह फिर से टूटने लगे हैं। यामिनी कामेश्वरी यक्षिणी से कहती है, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी चाहिए थी, पता होना चाहिए था कि आपके मुंह से एक ही शब्द निकलेगा, वो है आपका ताज, अब मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी है। इतना कहकर यामिनी पीछे मुड़ती है और वहां से जाने लग जाती है। कामेश्वरी यक्षिणी यामिनी को पुकारते हुए कहती है, रुको यामिनी बेटी, मेरी बात तो सुनो। यामिनी अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहती है, मैं अब कुछ नहीं सुनना चाहती माँ, आप चले जाइए यहाँ से, और अब मैं भी जा रही हूँ। कामेश्वरी यक्षिणी फिर यामिनी को पुकारते हुए कहती है, यामिनी बेटी सुनो तो, रुको दो मिनट। यामिनी इस बार कुछ नहीं कहती है, अपने कदम आगे बढ़ाती रहती है। कामेश्वरी यक्षिणी बार बार यामिनी को रोकने के लिए पुकार रही थी, पर यामिनी थी कि रुकी नहीं रही थी, अपने कदम आगे बढ़ाते जा रही थी। कामेश्वरी यक्षिणी मन में सोचने लग जाती है, ये सब क्या हो गया, मैं करने कुछ आई थी और हो कुछ और गया, यामिनी तो मुझसे और भी ज्यादा नाराज हो गई, अब मैं इसे कैसे मनाऊं। कामेश्वरी यक्षिणी अभी भी यामिनी को पुकारे जा रही थी, पर यामिनी रुकी नहीं रही थी। तभी वहां पर काला झाड़ी जंगल की तरफ से युग आ जाता है। युग यामिनी और कामेश्वरी यक्षिणी को बंगला मुड़ा घाट पर देखकर शॉक्ड रह जाता है। वो देखता है कि कामेश्वरी यक्षिणी बार बार यामिनी को रुकने का बोल रही थी, पर यामिनी थी कि उसकी एक बात नहीं सुन रही थी, अपने कदम आगे बढ़ाते जा रही थी। युग यामिनी से कहता है, यामिनी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? यामिनी नम लहजे के साथ ही युग से कहती है, युग बाबू मैं तो यहाँ घाट पर सुकून के कुछ पल बिताने आई थी, ताकि कुछ पल चैन मिल सके, पर लगता है अब ये चैन मुझे कभी नसीब नहीं होने वाला, अब मैं कभी इस घाट पर नहीं आऊंगी। कामेश्वरी यक्षिणी की आवाज सुनाई देती है, यामिनी मेरी बच्ची मेरी बात तो सुनो। यामिनी कुछ नहीं कहती है। युग यामिनी से बोल पड़ता है, यामिनी तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है। यामिनी पलट कर कहती है, मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी युग बाबू। युग कहता है, यामिनी तुम सुन तो लो वो क्या कहना चाहती है तुमसे। यामिनी कहती है, मुझे अब कुछ नहीं सुनना युग बाबू, और आप भी कुछ मत सुनिए, चलिए आप मेरे साथ। इतना कहकर यामिनी युग का हाथ पकड़ती है और उसे वहां से लेकर जाने लग जाती है। युग मन में सोचने लग जाता है, मैं तो खुद यामिनी को उसकी माँ से मिलवाना चाहता था, पर ये यामिनी तो अपनी माँ से बात ही नहीं करना चाहती, अब मैं क्या करूँ। युग जाते हुए पीछे मुड़कर कामेश्वरी यक्षिणी को देखने लग जाता है, जो अभी भी यामिनी को पुकारे जा रही थी। युग कामेश्वरी यक्षिणी को देखते हुए मन में सोचता है, मुझे तो कामेश्वरी यक्षिणी से भी बात करनी थी, पर यामिनी के सामने वो बात मैं कर नहीं सकता, और यदि इस वक्त यामिनी का साथ छोड़कर मैं कामेश्वरी यक्षिणी के पास गया उससे बात करने, तो यामिनी मुझसे नाराज हो जाएगी, उसे लगेगा कि मैं भी उसके साथ नहीं हूँ, वो वैसे ही टूटी हुई है, यामिनी के खिलाफ जाकर मैं उसे और नहीं तोड़ सकता हूँ, इस वक्त यामिनी के साथ जाना ही बेहतर होगा, कामेश्वरी यक्षिणी से मैं बाद में बात कर लूंगा। युग वापस से सामने की तरफ अपनी नजरें करता है और यामिनी के साथ ही अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाता है। कामेश्वरी यक्षिणी अभी भी घाट पर ही खड़ी रहती है और यामिनी को आवाज लगाते हुए पुकारते रहती है, पर यामिनी रुकती ही नहीं है। युग और यामिनी दोनों वहां से चले जाते हैं। जब कामेश्वरी यक्षिणी देखती है कि अब कुछ नहीं होने वाला, तो वो भी वहां से जाने लग जाती है। इस तरफ काला पोशाक वाला आदमी लगातार अपने कदम आगे बढ़ाते जा रहा था। जैसे जैसे वो पहाड़ की चढ़ाई चढ़ते जा रहा था, ऊंचाई बढ़ने के साथ ही ठंड भी बढ़ते जा रही थी। ठंडी ठंडी हवाओं के झोंके उसके चेहरे पर पड़ रहे थे, जिस कारण वो ठंड से कांपने लग गया था, पर फिर भी वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरी पहाड़ की चढ़ाई चढ़ने के बाद ही दम भरने वाला था, पर पहाड़ की चोटी से अभी भी वो काफी दूर था। डायना से दूर आ जाने के बाद भी उसके मन में डायना का ही ख्याल आ रहा था, वो बार बार डायना के बारे में सोच रहा था। काला पोशाक वाला आदमी अपने कदम आगे बढ़ाते हुए ही फिर डायना के बारे में सोचते हुए खुद से बोल पड़ता है, पता नहीं डायना ठीक भी होगी या नहीं, मुझे इस तरह पहाड़ पर उसे अकेले छोड़कर नहीं आना चाहिए था, वो जैसी भी हो पर है तो मेरी दोस्त ही ना, पर मैं क्या करता, वो मेरी बात मानी नहीं रही थी, उसके लिए आराम करना बहुत जरूरी है और मेरे लिए जल्द से जल्द कालगढ़ पहुंचना। अगले ही पल काला पोशाक वाला आदमी डायना के बारे में कुछ और सोचते हुए कहता है, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है,
मुझे डायना के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए, वो अपनी रक्षा खुद कर सकती है। आखिर वो कोई आम लड़की नहीं है, डायन है डायन। उसी डायन ने तो काफी दिनों से मेरा जीना मुश्किल करके रखा हुआ था। जब देखो उसकी बकवास मुझे सुननी पड़ती है, पर अब सब ठीक है। उसका साथ छूटने के साथ ही उसकी बकवास बातों से भी साथ छूट गया। अब वो सब मुझे नहीं सुनना पड़ेगा। अगर डायना के साथ बीच बीच में मुझे रुकना नहीं पड़ता तो मैं तो कब का कालगढ़ पहुंच चुका होता। मुझे उसी के कारण इतनी देर हुई है। यही सब बड़बड़ाते हुए काला पोशाक वाला आदमी अपने कदम बढ़ाते जा रहा था। वो चल ही रहा था कि तभी उसे एक ऐसी चीज दिखती है जिसको देखकर उसके कदम अपने आप थम जाते हैं। उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। एक पल के लिए उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता है। काला पोशाक वाला आदमी उसी चीज को देखते हुए खुद से कहता है, अब ये क्या है? काला पोशाक वाले आदमी के सामने कुछ और नहीं बल्कि कई सारी गुफाएं थी जो पहाड़ पर ही बनी हुई थी। तीन लाइनों में एक के ऊपर एक गुफा बनी हुई थी और हर लाइन में करीब 10 गुफाएं थी। हर गुफा का मुख इतना बड़ा था कि एक साथ 4-5 आदमी उसके अंदर आराम से घुस सकते थे। दूर से देखने पर हर गुफा एक जैसी लग रही थी। उन गुफाओं को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो गुफा प्राकृतिक थी, अपने आप ही पहाड़ के अंदर बन गई थी। काला पोशाक वाला आदमी खुद से कहता है, इतनी सारी गुफाएं, वो भी इस पहाड़ पर, आखिर इन गुफाओं के अंदर है क्या? गुफा के अंदर क्या है ये जानने की इच्छा काला पोशाक वाले आदमी के अंदर बढ़ने लग जाती है और अगले ही पल वो बिना कुछ सोचे समझे एक गुफा की तरफ अपने कदम बढ़ाने लग जाता है। जैसे ही काला पोशाक वाला आदमी उस गुफा के अंदर कदम रखता है, ढेर सारी बॉटफ्लाई उड़ते हुए उसके चेहरे की तरफ आने लग जाते हैं, पर उनमें से कोई भी बॉटफ्लाई उसे कुछ करता नहीं है। वो बाहर निकल कर सीधे आसमान की तरफ उड़ जाते हैं। गुफा के अंदर काफी अंधेरा था जिस कारण उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। वो तुरंत वज्र निकालने लग जाता है, पर तभी उसकी नजर एकास्त्र पर पड़ती है और उसे याद आता है कि डायना का एकास्त्र तो उसी के पास रह गया था। काला पोशाक वाला आदमी खुद से कहता है, ये क्या, डायना का एकास्त्र तो मेरे पास ही रह गया है, वो अब अकेले कैसे सफर करेगी पहाड़ी पर? उस काला पोशाक वाले आदमी ने इतना कहा ही था कि तभी उसे गुफा के अंदर एक हलचल महसूस होती है। उसे फुसफुसाहट भरी आवाजें सुनाई देने लग जाती हैं। उसे ऐसा लगने लग जाता है जैसे गुफा के अंदर कोई हो। काला पोशाक वाला आदमी घबराते हुए खुद से कहता है, ये कैसी आवाजें हैं? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।